जसराना तहसील के रहने वाले जितेंद्र अपनी पत्नी शशि को लेकर कल फिरोजाबाद उसकी डिलीवरी कराने के लिए श्री आरबीएस पुष्पा देवी हॉस्पिटल में भर्ती कराने को लेकर आए थे, जिसकी डिलीवरी हो गई। जब परिवार वालों ने बच्चों को देखने की हॉस्पिटल वालों से कही तो वह आनाकानी करने लगे और रुपयों की डिमांड करने लगे कि पहले 2100 रुपये दो, तब बच्चे को दिखाया जाएगा। लेकिन रुपये नहीं दिए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आपके बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे कहीं और दिखवा लीजिए। लेकिन बच्चा पहले ही हॉस्पिटल में मर गया था। जब उसे दूसरी जगह ले जाकर डॉक्टर को दिखाया तो बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसी को लेकर मृतक बच्चे के परिवार वालों की महिलाओं ने और अन्य सदस्यों ने आरबीएस पुष्पा देवी हॉस्पिटल के बाहर सर्विस रोड पर लगा दिया जाम। जब इसकी खबर पुलिस को मिली तो पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। वहीं मृतक बच्चे के परिजन हॉस्पिटल संचालक की शिकायत करने थाने गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्ष्य न्यूज, फिरोजाबाद। क्या नाम है? सर्वेश कुमारी। क्या हुआ है, पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? बच्चा वो है और बच्चा है के बाद में रो हुआ जी, और इन्नी बुना करी हमें बहुत ढेर में दो बच्चा, वो बच्चा देवे के बाद में इन्ना नहीं नुकई के बढ़िया जगह पे कहूँ भर्ती करो जाएगी, कछु न रो हाथ में, अब कछु न आए के हॉस्पिटल में हमें लेके डोले आए। खत्म क्या हो गया बच्चा? बच्चा नहीं खत्म हुआ, हुआ बच्चा में धड़कन कमी। क्या मतलब, क्या लगता है कैसे, किस तरीके से? इन्हें की ढिलाई थे, इन्हें की ढिलाई थे, इन्हें लापरवाही करी है। कब जन्मा था बच्चा? ये 11:30 बजे जन्म हुआ। कौन सा हॉस्पिटल है? पुष्पा देवी।